दोस्तों आईपीएल 2022 के 58वें मैच में राजस्थान और दिल्ली की टीम आमने सामने थी और ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा। वहीं इस मैच में राजस्थान की कप्तान संजू सैमसन ने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी जो उन्हें बहुत ही ज्यादा भारी पड़ी। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा रोमांच बताएंगे और इस मैच का टर्निंग पॉइंट भी बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वहीं अगर आपको भी राजस्थान और दिल्ली के बीच खेला गया ये रोमांचक मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों राजस्थान के खिलाफ ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और तीसरे ओवर में जॉस बटलर सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तीसरे नंबर बल्लेबाजी करने आए अश्विन ने यशस्वी जायसवाल के साथ टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन फिर 9वें ओवर में जायसवाल भी आउट हो गए। इसके बाद अश्विन ने देवदत्त पडिक्कल के साथ तीसरे विकेट के लिए 53 रनों की साझेदारी निभाकर टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। अश्विन ने 38 गेंदों में 50 रनों की बेहतरीन पारी खेली। संजू सैमसन और रियान पराग आज कुछ कमाल नहीं कर पाए और अंत में देवदत्त पडिक्कल ने 30 गेंदों में 48 रनों की बढ़िया पारी खेली और टीम को 150 के आंकड़े तक पहुंचा दिया। इससे पहले खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 160 का स्कोर बना लिया था। वहीं दिल्ली की तरफ से चेतन सकारिया, एनरिक नौरकिया और मिचेल मार्श ने 2-2 विकेट लिए। दोस्तों अगर राजस्थान को 161 के स्कोर को डिफेंड करना था तो उन्हें पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत थी और लगातार दिल्ली के विकेट झटकने की जरूरत थी और उन्होंने वही किया। ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर केएस भरत को संजू सैमसन के हाथों कैच करा दिया और इस तरह दिल्ली को पहला झटका दे दिया। पहले 3 ओवरों में ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा ने कसी भी गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन दिए। हालांकि तीसरे ओवर में राजस्थान को दूसरी सफलता भी मिल जाती, लेकिन वहां पर राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने बड़ी गलती कर दी। दरअसल ओवर की तीसरी गेंद ट्रेंट बोल्ट ने शानदार यॉर्कर डाली जिस पर मिचेल मार्श बीट हो गए, जिसके बाद बोल्ट ने LBW की अपील की, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला क्योंकि सबको लगा कि गेंद बल्ले से लगी है। संजू सैमसन ने भी DRS लेने से मना कर दिया, लेकिन रिप्ले में देखा गया कि गेंद बल्ले से लगी जरूर थी लेकिन उससे पहले पैड पर लगी थी। वहीं बॉल ट्रैकिंग में भी देखा गया कि गेंद स्टंप्स पर जाकर लग रही थी। तो ऐसे में अगर संजू सैमसन ट्रेंट बोल्ट की बात मानकर DRS ले लेते तो मिचेल मार्श आउट हो जाते। इस वक्त मार्श 1 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर सैमसन से बड़ी गलती हो गई जो उन्हें भारी पड़ती हुई दिख रही थी क्योंकि मिचेल मार्श ने इसके बाद शानदार बल्लेबाजी की। मार्श ने डेविड वार्नर के साथ मिलकर 7वें ओवर में ही टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं फिर 9वें ओवर में जॉस बटलर से एक बड़ी गलती हो गई। दरअसल युजवेंद्र चहल के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का लगने के बाद अगली गेंद पर वार्नर ने हवा में शॉट खेला, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर मौजूद जॉस बटलर ने उनका कैच टपका दिया। वहीं फिर ओवर की आखिरी गेंद पर वार्नर को एक और जीवनदान मिला। गेंद स्टंप्स पर जाकर लगी, बेल्स की लाइट भी जली लेकिन बेल्स गिरी नहीं। इसे देख युजवेंद्र चहल भी हैरान हो गए। आज राजस्थान के पक्ष में कुछ भी नहीं जा रहा था। वहीं इसके बाद 11वें ओवर में मिचेल मार्श ने 38 गेंदों में अपना शतक भी पूरा कर लिया। मार्श के खिलाफ DRS न लेना राजस्थान को बहुत ही भारी पड़ गया। 13वें ओवर में दिल्ली ने 100 का आंकड़ा भी छू लिया था। दिल्ली को अब आखिरी 7 ओवरों में जीत के लिए मात्र 63 रनों की जरूरत थी और उनके पास अभी भी 9 विकेट हाथ में बचे थे। तो दोस्तों आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी करें।